गुजरात में भानुबाई के आत्मदाह किए जाने के बाद बहुजन समाज में आक्रोश है। बहुजनों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया। पिछले काफी वक्त से भानुबाई बामसेफ से जुड़कर काफी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। भानुबाई के अंदर मूल निवासी बहुजन समाज का दर्द रगों में खून बन चुका था। इसी भावुकता ने उनको झकझोर दिया था। हालांकि भानुबाई जानते थे कि भारतीय समाज कठोर जातिवाद की स्थिति से उभर नहीं पाया है, इसलिए उन्होंने अपना सरनेम भी बदल दिया था ताकि भेदभाव वाली मानसिकता के अंदर के जातिवाद को तोड़ा जा सके। लेकिन जातिवादी मानसिकता के खिलाफ प्रतीक बनने के बावजूद भी उन्हें छोटी जाति में पैदा होने का दंश लगातार झेलना पड़ा और आखिर में भानुबाई का रहा शाह भरोसा भारतीय जातिवादी शासन प्रशासन ने तोड़ दिया। भानुबाई तो हमारे बीच से चले गए लेकिन तमाम सवाल छोड़ गए। वो खुद को सभ्य समाज का दावा करने वाले घटिया समाज पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भानुबाई की मौत का जिम्मेदार राज्य की सरकार और प्रशासनिक अधिकारी ही रहे। यदि समय रहते उनकी मांग सुनी जाती तो भानुबाई हरगिज ऐसा नहीं करते। धार्मिक मुद्दों पर गला फाड़ने वाले इस जातिवादी जहर के खिलाफ क्यों नहीं अपना मुंह खोलते? क्यों कभी किसी बहुजन की हत्या कर दी जाती है तो कभी उसे मौत के गले लगाने पर मजबूर कर दिया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।